मैं सुनील कुमार खंडेलवाल राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से आज मैं छात्रों को फ्लूइड इंजीनियरिंग में चैप्टर वन में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में लेक्चर फोर में आपको सरफेस टेंशन के बारे में बताऊंगा। छात्रों, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन आपने दैनिक जीवन में कई बार ऑब्जर्व किया होगा। जैसे कोई पारा है, जब हम धरती पे गिराते हैं पारे की कोई बूंद तो वो गोलाकृति धारण कर लेती है, वो सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। उसी तरह जब कोई ब्रश, पेंट वाली जो ब्रश है, जब पानी में डुबोते हैं और फिर वहाँ से निकालते हैं तो बाल आपस में, जो पेंट के जो बाल हैं आपस में चिपक जाते हैं, वो भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। इसी तरह जब किसी पानी के सतह पर मच्छर बैठता है, बड़े आराम से बैठ जाता है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो सबसे पहले हम सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की परिभाषा समझेंगे। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल द्रव की पृष्ठ पर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, यानी फोर्स अपॉन लंबाई। लंबाई तो यानी उसकी यूनिट क्या हुई, न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंद गोल आकार धारण करती है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव की सतह का वह गुण है जिसके कारण यह प्रत्यास्थ का व्यवहार करती है, माने जो उसका बिहेवियर है प्रत्यास्थ की तरह कार्य करता है इस गुण के कारण। तो बारिश की बूंदों का गोलाकार एवं जब पैंट के वो ब्रश को पानी में डुबोया जाता है, डुबो कर निकालते हैं तो इसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये सब पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल हैं। तो पृष्ठ तनाव कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी और पृष्ठ तनाव के विभिन्न उदाहरण हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन, केशिका तत्व। केशिका तत्व क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्यूब, ये ट्यूब है जो कि पानी के अंदर डिप है और ये पानी के अंदर, ये ट्यूब ट्यूब जो है उसका व्यास बहुत ही कम है, पतली ट्यूब होती है। जब इस पानी में, पानी इसमें चढ़ने लगता है इस ट्यूब के अंदर, उसी तरह जब पारे में डिप करते हैं तो ये पारा नीचे उतरने लगता है। तब ये जो प्रभाव है द्रव का, यह गुण पानी का, ये गुण और पारे का, ये गुण, ये जो दो दोनों द्रव हैं, एक में पानी चढ़ रहा है एक में मरकरी नीचे उतर रहा है, ये जो है ये गुण ये उस द्रव की केशिकात्व तो कहलाता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। यदि एक इकाई व्यास की नली को पानी में डुबाया जाए तो नली में पानी का स्तर वाटर लेवल से ज़्यादा एवं पारे का स्तर बाहर वाले स्तर से नीचा होता है, पानी का चढ़ना एवं पारे का नीचे गिरना केशिकात्व तो कहलाता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। तो देखें यहाँ पे जो पानी की अर्धचंद्रकार गोला बनता है और यहाँ एक सरफेस टेंशन लगता है जो कि ट्यूब की सरफेस से थीटा एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल आपका कांटेक्ट एंगल कहलाता है। ये कांटेक्ट एंगल पानी के लिए एक्यूट होता है और पारे के लिए ये थीटा का एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तथा ये जो पानी ऊंचाई चढ़ता है, कितना ऊंचाई पर चढ़ता है एच, इसकी जो मात्रा होती है वो एच इज इक्वल टू केशिकात्व, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन ओमेगा डी होता है, डब्ल्यू डी होता है, स्मॉल डब्ल्यू डी। सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है, कॉस थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट है, डी इज़ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पानी कितना ऊंचा चढ़ेगा या पारा कितना नीचे उतरेगा, ये हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। इसी कड़ी में एक है कि कई बार न्यूमेरिकल में आता है, पानी का जो बुलबुला होता है या साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें जो एक्सेस प्रेशर है यानी दाब आधिक्य है, वो उसका मान कितना होता है। तो पानी के बुलबुले के अंदर, जो पानी के अंदर जो बुलबुला है उसके अंदर जो एयर प्रेशर है बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक प्रेशर होता है, उस कारण से बुलबुला जो है वो तब तक पानी की बूंद जो है बुलबुले के रूप में होती है। तो इस दाब आधिक्य का मान होता है 2 सिग्मा अपॉन आर। यहाँ सिग्मा सरफेस टेंशन है, आर यहाँ रेडियस ऑफ द बुलबुले का रेडियस है। साबुन के बुलबुले में जो है ये जो दाब आधिक्य है, एक्सेस प्रेशर है, ये 4 सिग्मा अपॉन आर के बराबर होता है, यानी जो
पानी का बुलबुला है उससे लगभग दुगना होता है, क्योंकि यहाँ पे साबुन की दो परतें होती हैं, जो कि उस कारण से इनका दाब अधिक के समान 4 सिग्मा पर होता है। ये आपको आज मैंने पृष्ठ तनाव और कैपिलरी एक्शन के बारे में और पानी के बुलबुले में या साबुन के बुलबुले में दाब अधिक के बारे में बताया।